दिल्ली के सीएम केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद अब आप में संकट गहराता जा रहा है। आपके करीब 7 बड़े चेहरे देश में हो रहे केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन से गायब नजर आए। 10 में से सिर्फ 3 नेता केजरीवाल की तरफ से आवाज़ उठाते दिखे। आपके सुशील कुमार जो पार्टी के इकलौते सांसद हैं, उन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया। कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए संजय सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस विषय पर चर्चा जरूर करेगी। बता दें, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों की ही गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है। जमानत के बाद संजय सिंह फिर आपका बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। पहले नंबर पर आते हैं आपके जाने माने चेहरों में से एक राघव चड्ढा, जो हाल ही में पिछले महीने आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए थे और मार्च अंत तक लौटने के आसार थे। वहीं बात करें उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की, जो अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज अमर सिंह चमकीला की रिलीज के लिए वापस आ गई हैं, लेकिन राघव चड्ढा अभी भी वापस नहीं लौटे। हालांकि राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर केजरीवाल के समर्थन में खूब बोल रहे हैं और संजय सिंह के बाहर आने पर उन्होंने खुशी का भी इजहार किया है। पहली बार दिल्ली से सांसद स्वाति मालीवाल अभी अमेरिका में हैं। उन्होंने अभी भारत वापस आना ये कहकर टाल दिया कि उनकी बहन अभी बीमारी से उभर रही हैं और उन्हें स्वाति की ज़रूरत है। स्वाति मालीवाल लगातार सोशल मीडिया पर आपका समर्थन कर रही हैं और उन्होंने बीजेपी के इस आरोप का भी खंडन किया है कि आपके कई नेता केजरीवाल के समर्थन में नहीं हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, जो पंजाब से सांसद बनने के बाद पार्टी में बहुत कम ही हिस्सा लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तो अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उन्होंने आपके आयोजित विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अशोक कुमार मित्तल, जो LPU के संस्थापक हैं और आपके सांसद हैं, जो फिलहाल पार्टी से कुछ दूरी बनाते दिख रहे हैं। अशोक कुमार के मुताबिक उन्हें अभी तक किसी भी विरोध प्रदर्शन का निमंत्रण नहीं आसा है। वहीं पंजाब से सांसद संजीव अरोड़ा ने बताया कि वो गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल से मिले थे। हालांकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन में ना जाने की बात को स्वीकार किया और बताया कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो ज़रूर जाऊंगा। अगले नंबर पर आते हैं बलवीर सिंह सीचेवाल, जो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें भी बहुत कम पार्टी के कामों में देखा जाता है। उनसे जब उनका जवाब पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ और दिए गए आदेशों का जिम्मेदारी से पालन करता हूँ। वहीं बात करें बिक्रमजीत सिंह सहानी की, जो दूसरे सांसदों की तरह ही पार्टी के कामों से गायब नजर आते हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेखक खुशवंत सिंह की स्मृति में बात का वीडियो डाला था, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।